हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फ्लोरल मेहंदी बताने वाली हूँ। इसके पहले के पार्ट में मैंने फ्लोरल बंच बताए थे आपको, पेटल्स के फ्लावर फिलअप और कुछ ग्रिड्स के डिज़ाइन बताए थे। उन सब का यूज़ करके आज मैं आपको फ्लोरल डिज़ाइन बताने वाली हूँ। सो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि मैंने ये हैंड ड्रॉ किया है, वो आपका पाम से फोर फिंगर का मैंने ड्रॉ किया है। ये आपका हाफ एंड है, तो ये हाफ एंड के आज मैं डिज़ाइन बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने स्पाइरल ड्रॉ किया है। फ्रेंड्स, आज की जो डिज़ाइन रहने वाली है फ्लोरल डिज़ाइन रहेगी, वो आज का मैं ये पूरा वीडियो जो रहेगा ड्रॉ करके बताऊंगी आपको कि कौन सी डिज़ाइन कौन से शेप्स कैसे ड्रॉ करने हैं। ये पूरा मैं इस हैंडमेड ड्रॉ करूँगी। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उस डिज़ाइन को फिलअप करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे हो मैंने स्पाइरल ड्रॉ किया है। इसके ऊपर मैं बारीक बारीक स्केल्प ले रही हूँ। इस तरीके से आपको बारीक बारीक छोटे छोटे स्केल्प लेने हैं, ज़्यादा लंबे नहीं करने हैं। ये बड़े स्केल्प मैंने ड्रॉ किए हैं इस तरीके से। तो ये बड़े स्केल्प का यूज़ करके मैं फ्लावर बना रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी फ्लावर ले सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे फ्लावर स्टार्टिंग की वीडियो में बताए थे। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप फ्लावर और शेप की प्रैक्टिस के लिए वो वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो भी मेरा काफ़ी लंबा होगा। मैं कहीं कहीं जगह पे जहाँ शेप में ड्रॉ करूँगी कौन सा शेप कैसे ड्रॉ करना है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। बीच बीच में वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर लूँगी, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि इसका कैसे फ्लोरल डिज़ाइन का सेटअप करना है, तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ से मैं इस तरीके से हाफ पिकॉक ड्रॉ कर रही हूँ। ये इस तरीके से आपको हाफ ड्रॉ करना है। यहाँ से मैं पिकॉक की आईज ले रही हूँ। आप आईज में बहुत तरह की पिकॉक की डिफरेंट डिफरेंट आईज होती है, मैं सिंपल आईज यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। इसका लुक बहुत बेटर लगेगा इस तरीके से। पिकॉक की ये मैंने चोच यहाँ पे ड्रॉ की है। सो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर लूंगी यहाँ पे। यहाँ से मैं लीव्स के सेटअप से इस तरीके से हाफ शेप पूरा ड्रॉ कर रही हूँ। कहीं पे भी जैसे फ्रेंड आप ये देख सकते हो कि मेरा ये जो पूरा शेप का जो डिज़ाइन है वो बाहर गया है। सो डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। हैंड पे आप उसको जैसा हैंड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो इतना सा हुआ है इसको कैसे कवर करना है प्रॉपर, मैं इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लाइन एड नहीं करूँगी। मैं जब फिलअप करूँगी तो वहाँ पर मैं इस बॉर्डर को क्लियर करूँगी कि आपकी अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको आपको कैसे कवर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये शेप लिया है, इस शेप के बाद आप डायरेक्ट शेप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट शेप स्टार्ट करूँगी तो ये क्या होगा, जॉइंट हो जाएगा। तो उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी डिज़ाइन बनाई है। आप अगर बॉर्डर लेना चाहते हो तो आप बॉर्डर ले सकते हो, लीव्स लेना चाहते हो तो लीव्स ले सकते हो। मैंने इस तरीके से डॉट दे के एक लाइन एड की है सपोर्ट के लिए। यहाँ पर भी मैं डबल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मेरा बॉर्डर फिलअप में जाएगा, डार्क बॉर्डर होगा। उसके बाद मैंने एक सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पे मैं इस तरीके से बारीक बारीक स्केल्प ड्रॉ करूँगी। फ्रेंड्स, आपको भी इस तरह से ही प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे स्केल्प बनाओगे तो आपकी फिनिशिंग और बेटर होती जाएगी।
ध्यान रहे आपको लंबे स्कैल्प नहीं बनाने हैं। आपको समझ में आया उसके लिए मैंने ये जो प्रॉपर हैंड है ये इस तरीके से रखा है कि क्लाइंट हमेशा आपके अपोजिट साइड में ही बैठते हैं और हैंड आपका इस तरीके से रहता है, तो आपको अपने आप को मूव करना होगा, आप क्लाइंट के हैंड को मूव नहीं कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको सीधा सीधा इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो पूरा मैं ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करूँगी, फिलअप के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको फिलअप बताऊँगी कि फिलअप कैसे करना है। मैं इसका बॉर्डर में दे रही हूँ डबल लाइन करके, बीच के बॉर्डर को मैंने इस तरीके से फिल किया है, उसके ऊपर मैं फिनिशिंग के लिए वापस डबल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि बीच में कोई भी दाने हो तो वो आपके क्लियर हो जाए। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा फिनिशिंग बेटर करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हाफ हैंड का इतना पार्ट आपका ड्रॉ हो गया है, ये शेप में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिलअप करेंगे। इतने पार्ट में ग्रिड लाइन कैसे डिज़ाइन सेट करनी है वो मैं फिलअप में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बाकी का भी कंटिन्यू करते हैं। और हमेशा फ्रेंड्स आपको इस तरीके से हैंड पे सपोर्ट लेकर ही आपको डिज़ाइन बनानी है, बिकॉज आपका हैंड अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको सपोर्ट लेके ही करना है। अभी मैं विदाउट सपोर्ट भी डिज़ाइन ऐसे कर सकती हूँ बिकॉज मेरा हैंड एकदम कंट्रोल में है, तो आप अभी बिगनर्स हो तो आपको सपोर्ट लेके ही डिज़ाइन बनानी है। सो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरल की डिज़ाइन में क्या होता है। डिज़ाइन फ्लोरल में मतलब आप देख सकते हो कि फ्लावर का सेटअप किया है एंड शेप का यूज़ किया है एंड ग्रिड लाइंस का मैं इस फिलअप में यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं वापस जो बना रही हूँ मैं वापस से फ्लावर ही यूज़ करूँगी। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बंच बनाना बताया था, फ्लोरल बंच। फ्लोरल बंच जो होता है वो आपकी फ्लोरल डिज़ाइन में यूज़ होता है। फ्लोरल डिज़ाइन में आपके सारे बंच के सेटअप रहते हैं। सो फ्रेंड्स ये फ्लावर मैंने आपको स्टार्टिंग में पेटल्स का फ्लावर ड्रॉ करके बताया था, तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से मैं वीडियो को स्किप कर लूँगी। सो फ्रेंड्स ये फ्लावर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूँगी फ्लावर का, तो आप उसका वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको अगर नहीं मिलता है नहीं पता है तो मैं कार्ड में भी आपको इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। यहाँ से मैं उल्टा शेप ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं बाहर नहीं ले रही हूँ, ये हाफ ही ले रही हूँ। सेम आपको जब आप हैंड पे भी आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ही आपको ड्रॉ करना है, हाफ शेप ही ड्रॉ करना है। यहाँ का आप देख सकते हो ये हाफ मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि मैं बाद में आपको हैंड पे जब बताऊँगी तो आपको बैक हैंड का फ्रंट बैक का बताऊँगी तो आपका डाउट जो रहेगा वो क्लियर हो जाएगा कि फ्रंट में और बैक में आपका ये डिज़ाइन जो है वो कैसे जॉइंट करना है। सो पेपर पे मैं इतना आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। इसमें मैंने कोई भी डिज़ाइन एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, इसके पहले मैंने आपको जितने शेप जितनी डिज़ाइन जो बताई थी उन डिज़ाइन का मैं यूज़ करके आपको बता रही हूँ कि फ्लोरल डिज़ाइन का आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हो।
यहाँ से मैं एक बेल्ट ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें हम लोग रिलायंस की जो डिजाइंस होती है उनको कवर करेंगे। सो देखने पे फ्रेंड्स इसका व्यू जो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अलग लग रहा है, बट इसका जो रियल व्यू रहेगा फिलअप के बाद ही इसका लुक अच्छा दिखेगा। तो आपको इसका नेक्स्ट वीडियो देखना होगा फिलअप का, कि उसमें कैसे फिलअप करना है, डिज़ाइन को कैसे एट्रैक्टिव आप बना सकते हो। ये जस्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ पूरा हैंड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फ्लोरल डिज़ाइन में मेरे दो बंच जो है वो रेडी हुए हैं। पहला बंच ये आपका यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से। इन दोनों के बीच में मैंने थोड़ा सा गेप रखा है, वो आपको फिलअप के बाद ही इसका लुक पता चलेगा कि उसका लुक कैसा लगता है गेपिंग देने से। अभी यहाँ पे मैं फिंगर्स ड्रॉ कर रही हूँ वाले। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये शेप के बाद फिंगर के बीच मैंने यहाँ पे गैपिंग दिया है, वो आपका सारा डिज़ाइन मिक्स ना हो। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लोरल डिज़ाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे डिज़ाइन के बीच में आपका यहाँ पे गैप होना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से गैप रखना है, उससे डिज़ाइन आपकी और ब्यूटीफुल लगेगी। यहाँ पे ये इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इनको भी हम लोग फिलअप में यूज करेंगे। डिजाइन्स में फ्रेंड्स बहुत टाइप की डिजाइन है, मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन आज मैंने फ्लोरल की डिज़ाइन से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे मैं आपको हर एक डिज़ाइन का नॉलेज दूंगी। मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको सारी डिज़ाइन के बारे में बताऊंगी और ट्राई करूंगी कि मैं हर एक डिज़ाइन पे आपको डिटेलिंग में बताऊं। यहाँ पे मैं इस तरीके से प्रेसिंग से लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आपका लीव्स का प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ पे स्मॉल स्मॉल डॉट का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से गोल गोल डॉट भी आप यूज़ कर सकते हो। जो बिगनर्स हैं जिनको ये टेक्निक नहीं आती है, जो लीव्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, वो लोग डॉट का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स पार्ट वन फ्लोरल डिज़ाइन का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डन हो गया है, मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है। सो इसका फिलअप मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलअप कंटिन्यू देखने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को पूरा देखना होगा और नेक्स्ट वीडियो को भी आपको कंटिन्यू वॉच करना होगा। सो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।